हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका फॉल्ट दिखा देता हूं, इस पावर सप्लाई कार्ड में फॉल्ट क्या है। दोस्तों, डीडी फ्रीडिस के ऊपर मैंने पावर सप्लाई कार्ड के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और पावर सप्लाई कार्ड में कई सारे फॉल्ट होते हैं, उन सब के बारे में मैंने इसमें बता रखा है। लगभग कोई वीडियो ऐसा नहीं है जो छूटा है जिसमें उसका फॉल्ट ना मिले आपको, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका ही फॉल्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कमी है और इसको हम रिपेयर करेंगे। वीडियो छोटा सा है दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं और मेन पॉइंट आपको बताऊंगा और इसका फॉल्ट बताऊंगा, क्या फॉल्ट है, क्या कमी है और उसको कैसे सही करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस पे वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें दोस्तों। तो चलिए, इसका मैं फॉल्ट आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, फिलहाल मैंने सेटअप बॉक्स से बाहर निकाल रखा है। आप भी कभी अगर पावर सप्लाई कार्ड रिपेयर करें तो सेटअप बॉक्स से बाहर निकाल के ही करें और स्विच में ही लगाकर चेक करें, ठीक है। तो मैंने एक कनेक्ट कर दिया इसके आगे पीछे, ये दो पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, मैंने एक यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कनेक्ट कर लेना है और इसको मैं बिजली के बोर्ड में लगाता हूँ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा कैमरे को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और ये देखिए, ये मल्टीमीटर है मेरा और मैं थोड़ा इसके नीचे कुछ रख देता हूँ ताकि आपको सही दिखे पावर सप्लाई, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं एसी के बोर्ड में लगाऊंगा अपने पावर वोल्ट में। और ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया है। फिलहाल मैं आपको यहाँ वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये एसी वोल्ट है, डीसी पे कर रखा है मैंने इसको, और यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए 268 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये सीरीज में है, इसको मैं शॉर्ट करूंगा तो देखिए बल्ब भी जलेगा, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट क्या है दोस्तों, इसको मैं डीसी वोल्ट पे करता हूँ 200 पे और ये ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 2.8 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 5 वोल्ट में कुछ नहीं दिखा रहा है। इसके बराबर में जो है 24 वोल्ट, वहां 1.5 दिखा रहा है, उसके बराबर में जो कि 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट पे 16 वोल्ट आ रहा है और इधर 4 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, ठीक है। इधर होता है 3.3 वोल्ट, जो कि अभी लोड नहीं है तो 4 वोल्ट के आसपास दिखना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं वोल्टेज शो कर रहा है, यहाँ भी कुछ शो नहीं कर रहा है, सिर्फ जो 12 वोल्ट है उसके जगह आ रहा है 16.1 वोल्ट, ठीक है। यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ये देखिए आप, और कहीं भी वोल्टेज कोई शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा 3.3 पे, उसके बगल में ग्राउंड है, ठीक है। उसके बराबर में 12 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट दिखा रहा है, 15 वोल्ट, उसके बाद 24 वोल्ट पे दिखा रहा है 1.5 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड और उसके बाद जो 5 वोल्ट है वहां 0 दिखा रहा है। ये इसमें फॉल्ट है दोस्तों। अब इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ 600 वोल्टेज करके, जो कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कैपेसिटर पे 361 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वोल्टेज आउटपुट इतना ही हो रहा है। फिलहाल मैं इसको बोर्ड से निकाल देता हूँ, बिजली के बोर्ड से निकाल दिया मैंने। अब मैंने आपको दिखा दिया कि फॉल्ट क्या है इसका, अब इसको हम सही करेंगे। फिलहाल इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ कंडेंसर, क्योंकि करंट होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट क्या है दोस्तों, वोल्टेज कम आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, आपने कई सारे वीडियो भी देखा होगा मेरा, उनमें अलग अलग फॉल्ट होते थे, लेकिन इसमें कुछ अलग ही फॉल्ट है दोस्तों।
एक वीडियो और मैंने बना रखी है जिसमें कि डायोड खराब हो जाता है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, इसमें कुछ अलग ही फॉल्ट मिलेगा आपको देखने को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसका फॉल्ट ढूंढते हैं। डायोड चेक कर लीजिए, डायोड इसका बिल्कुल ठीक मिलेगा, ठीक है। ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये 12 वोल्ट वाला, ये भी ठीक है, ठीक है। ये आप, ये 5 वोल्ट वाला है, ये भी चेक कर लीजिए, ये भी देखिए, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो फॉल्ट क्या है दोस्तों, प्राइमरी सेक्शन में चलते हैं इसका। यहाँ पे एक निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, इस निशान से इधर ये प्राइमरी सेक्शन है, इस निशान की इधर सेकेंडरी सेक्शन है। इधर एसी वोल्ट होता है, इधर डीसी होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं इसका, इस फॉल्ट में कभी भी डायरेक्ट कंडेंसर पे कंटिन्यूटी पे करके यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे, एक कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे हम, वैल्यू यहाँ 665 आ रहा है, जबकि यहाँ पर वैल्यू 1300 और 1200 के बीच में आना चाहिए, 1350 और 1200 के बीच में आना चाहिए यहाँ वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या वैल्यू आ रहा है दोस्तों, 665-70 वोल्ट वैल्यू बता रहा है। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो डायोड से रेक्टिफायर जो बनकर यहाँ पे आउटपुट होता है उसका 1300 के आसपास दिखना चाहिए। मैं आपको एक पावर सप्लाई कार्ड में चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो वैल्यू आप देखेंगे, और मैं यहाँ चेक करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए 1523 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है, 1300-1200 अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत कम आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, डायोड खराब हो सकता है, लेकिन डायोड भी चेक करने पे सही मिला है। अब एक साइड से डायोड कैसे चेक करते हैं आपको पता होगा, एक साइड से वैल्यू बताना चाहिए, एक साइड से वैल्यू नहीं बताना चाहिए। इसमें आप देखिए, एक साइड से वैल्यू बताया, दूसरे साइड से भी वैल्यू नहीं बताया, मतलब ये ठीक है। इसमें देखिए, एक साइड से वैल्यू नहीं बताया, दूसरे साइड से वैल्यू बताया, ठीक है। इसमें देखिए, एक साइड से वैल्यू बताया, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं बताया। इसमें भी एक साइड से वैल्यू बताया, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं बताया, मतलब ये ठीक है, हमारा कंडेंसर भी हमारा ठीक ही है, ठीक है, डायोड हमारा पूरा ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आ ही रहा था हमारा, मतलब जो डायोड है हमारा यहाँ पे डीसी वोल्टेज मैंने आपको चेक करके दिखाई दिया कि 300 कुछ वोल्ट दिखा रहा था, इन सब खराब होने का कोई चांस ही नहीं। और यहाँ पे जबकि 12 वोल्ट निकल कर आ रहा था, तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, आईसी खराब हो जाता है। तो आईसी कैसे चेक करेंगे हम, आईसी चेक करने का एक बेहतरीन उपाय है, इसमें 8 पिन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें चेक करेंगे पहला और दूसरा, पहला दूसरा, तो दूसरा पिन और तीसरा पिन, इन दोनों पे मल्टीमीटर को रखेंगे और ऐसे चेक करेंगे इस तरह से। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे चेक करेंगे और ऐसे चेक करेंगे, यहां पे वैल्यू 625 के आसपास दिखाएगा, ठीक है। आपको इधर प्लस वाला रखना है पॉइंट, इधर माइनस वाला रखना है, ठीक है। यहाँ पे इतना वोल्टेज दिखाना चाहिए, ये इस साइड का ठीक है। अब इधर का चेक करेंगे, माइनस यहाँ, और इधर कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, जबकि इसके और इसके बीच में वैल्यू बताना चाहिए 6-6.5 के आसपास, ठीक है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, मतलब कि हमारा ये आईसी है ये खराब है, ठीक है। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि आईसी कैसे चेक करते हैं, आपने इस वीडियो में देख लिया कि आईसी को कैसे पता कर सकते हैं खराब है। तो चलिए इस आईसी को हम निकाल लेते हैं जल्दी से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, तो आईसी को मैं फटाफट निकाल लेता हूँ वीडियो को रोक के। तो इस तरह से हमने इसको, ऐसे आईसी हमें निकाल लेना है।
ये देखिए आईसी का नंबर है, वाइपर 22, आप देख रहे हैं वाइपर 22 13 80 22 A, ठीक है, इस नंबर की आईसी इसमें डली है। अब मैं इसके जगह दूसरी कोई आईसी लगाऊंगा, मेरे पास आईसी पड़ी है वाइपर 22 की, ये मैं इसमें लगाऊंगा। तो आईसी कैसे लगाते हैं इस पे मैंने वीडियो कई सारे बना रखी है, आप वो देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कट का निशान है और इसमें भी कट का निशान है, एक आपको दिखाई दे रहा है, तो कट के निशान की तरफ इसको हम लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको लगा देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लंबा ना हो। इस तरह से लगाने के बाद इसको मैं सोल्डिंग कर दूंगा। तो मैं फटाफट सोल्डिंग भी कर लेता हूँ। इस तरह से लगाने के बाद थोड़ी सफाई कर देंगे, कोई सा भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें आईसी को लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए लग चुका है। अब मैं इसमें एसी वोल्टेज, अब मैं आपको यहाँ कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आप 1122 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब ये ठीक है हमारा। अब मैं इसमें एसी वोल्टेज दूंगा और यहाँ मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा, जिसको हम कर देते हैं डीसी 200 पे और इसको मैं बिजली के बोर्ड में लगा देता हूँ। और एक ग्राउंड है ग्राउंड पे और यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे, तो 12 वोल्ट हमारा आ रहा है, 11.7 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुका है, उसके बराबर ग्राउंड है, उसके बराबर में 24 वोल्ट के जगह 21 वोल्ट आ रहा है, ये ठीक है हमारा। उसके बराबर में 12 वोल्ट ये भी आ रहा है जो पहले आ रहा था, अब 3.3 वोल्ट की जगह 4.3 आ रहा है, जब इस पे पावर कार्ड में लगाएंगे तो 3.3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पावर सप्लाई का ठीक हो गया है। और आप भी सीख गए होंगे इस तरह के अगर फॉल्ट हो तो कैसे इसको सही करेंगे। और YouTube पे शायद ये ऐसा वीडियो मिला होगा आपको कि 12 वोल्ट आ रहा है और 3.3 5 वोल्ट और 24 वोल्ट ना आ रहा हो, इस टॉपिक पे शायद ये आपको वीडियो मिला होगा। तो दोस्तों लाइक तो कर दीजिए इस पे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कुछ भी सवाल पूछना हो आप हमसे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और कई लोग दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर मांग रहे थे, तो मैं एक नंबर व्हाट्सएप पे बना के डाल दूंगा, तो आप हमसे व्हाट्सएप से करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इतनी सी थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।